हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में आपको एक बहुत ही खूबसूरत फूल के साथ मैंने आज की इस वीडियो की शुरुआत की है, और आपको भी काफ़ी अच्छा लग रहा होगा फूल, क्योंकि बहुत ही गुलाब का फूल है और इंग्लिश रोज़ है, काफ़ी सुंदर लग रहा है देखने में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैंने इसे कहाँ से लाया, मैं ये और इसका प्लांट लाया था, मैं कटिंग लाया था, एक्चुअली मैंने ही लाया था, मेरी बहन लाई थी, तो काफ़ी सारी कटिंग्स लाई थी वो। तो मैंने एक नई तरीके से लगानी सोची कटिंग। देखिए मैंने क्या किया है, मैंने इस बार कुछ नया एक्सपेरिमेंट किया है, मैं बस चेक करना चाहता हूँ कि ऐसे हो सकती है या नहीं हो सकती। आई डोंट नो कि होगी या नहीं होगी, नहीं भी होगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी इसकी कटिंग्स लगा दी है काफ़ी सारी। तो बस ये तो एक मेरा नया तरीका है, एक्सपेरिमेंट है, अगर हो जाती है सक्सेस तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कोई फूल नहीं खिल रहा है, ये बस मैंने ऐसे ही रख रखा है, देख सकते हो आप, कुछ इस टाइप से ये मैंने ऐसे ही रख दिया था इसने फूल। लेकिन जो मैंने कटिंग लगा रखी है ये इसी रोज़ की कटिंग है, ये वाली जो ये कलर है आपको दिख रहा है, तो इसी रोज़ की मैंने कोई ग्राफ्टिंग भी करी है। और अगर आपको नहीं पता ग्राफ्टिंग कैसे की जाती है तो उसकी वीडियो मैं जल्द बनाने वाला हूँ, तो काफ़ी अच्छा मेथड है ग्राफ्टिंग करना भी। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जो भी वीडियोज़ मैं डालता हूँ काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होती है। तो देखिए मैंने क्या किया है, और बस फूलों को देखने का मन कर रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा है काफ़ी सुंदर फूल है और काफ़ी बड़ा है, वैसे इतना हेल्दी नहीं है लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में, इंग्लिश रोज़ है। तो आप देख सकते हो मैंने एक बोतल ली थी और बोतल के अंदर मैंने पानी भरा है, वाटर ऐड किया कंप्लीट। और जो ये कटिंग थी ये देख सकते हो, यहाँ से लेके ये कटिंग जो मेरी जा रही है थोड़ी सी, मगर आपको इसमें चमक रही होगी तो देख सकते हो, यहाँ तक लगभग ये यहाँ तक कटिंग है, पानी में भी इतनी डूबी हुई है, पानी के अंदर इतनी है मेरी ये कटिंग। और ऊपर से मैंने इसमें कर रखी है एयर लायरिंग। अब एयर लायरिंग क्यों की है, अब ये क्यों किया, मैंने सोचा कि जो मेरी कटिंग है अगर पानी में रहेगी तो वो सूखेगी नहीं, राइट। अब सूखेगी नहीं तो पानी में देखो रूट्स आना बहुत मुश्किल होता है रोज़ पर, तो रोज़ की कटिंग पर, तो इसलिए मैंने यहाँ पर मिट्टी की जो एयर लायरिंग की है मैंने पहले छील दिया था, आपको पता है मिट्टी एयर लायरिंग कैसे करते हैं, छील कर हल्का सा, और मैंने ये इतना बोतल का टुकड़ा था मेरे पास छोटा सा, तो वो मैंने लगा दिया है इसमें, कवर कर दिया, और यहाँ से अच्छे से बाइंड कर दिया है इसे मैंने, ताकि जो मिट्टी है वो नीचे ना जाए बोतल में, इसलिए मैंने इसे अच्छे से यहाँ पर पॉइंट कर दिया था कलम में। ओके, तो यहाँ पर मैंने मिट्टी भर दी इसमें, और ऊपर से आप देख सकते हो कलम कुछ इस प्रकार से है। तो अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट होगा इसका, रूट्स आएगी, बस पानी मुझे चेंज करना होगा इसका, क्योंकि अगर पानी में चेंज नहीं करूँगा तो वो हो सकता है मेरी कटिंग गल जाए, ख़राब हो जाए पानी में, तो इसलिए मुझे रेगुलर वाटर को चेंज करना होगा, और मैं हर 2-3 दिन के अंदर मैं वाटर चेंज कर दिया करूँगा इसका। और उसके बाद बस ध्यान रखना मुझे ये होगा कि ये कटिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, हिलनी नहीं चाहिए ज़्यादा, बस हल्का सा मैंने इसलिए ये थोड़ा सा हल्का सा कवर किया है इसे, ताकि मैं आराम से इसे निकाल कर पानी चेंज कर सकूँ, उसका फिर से इसमें डाल सकूँ। तो आई होप कि काम करे, लेकिन नहीं भी करे तो कोई बात नहीं, मैंने कटिंग भी लगा दी है काफ़ी सारी, और जल्द ही एक ग्राफ्टिंग के ऊपर वीडियो आने वाली है, ग्राफ्टिंग कैसे करे, क्योंकि जो इंग्लिश रोज़ होता है वो इजीली कटिंग से ग्रो नहीं होते हैं, काफ़ी मुश्किल होती है उन्हें मुश्किल से ग्रो होते हैं, और अगर ग्रो भी हो जाते हैं तो इतने हेल्दी नहीं होते वे, क्योंकि वे इंग्लिश रोज़ है और उनकी रूट्स इतनी अच्छी से डेवलप नहीं होती है, तो उसके लिए ग्राफ्टिंग एक सबसे अच्छा तरीका है। और मैं रोज़ पर ज़्यादातर बर्ड ग्राफ्टिंग्स करता हूँ, और अगर आपको नहीं पता है तो आने वाली वीडियोस में आपको मेरे पता चल जाएगा कि ग्राफ्टिंग किस प्रकार की जाती है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। और ग्राफ्टिंग से एक और फ़ायदा होता है कि अगर आप एक ही प्लांट पर काफ़ी सारे कलर के फूल लाना चाहते हो तो वो भी पॉसिबल है, तो ग्राफ्टिंग के जरिए आप एक ही कटिंग पर काफ़ी सारे, एक ही प्लांट पर काफ़ी सारे फ्लावर्स पा सकते हैं एक ही तरह के, जैसे कि रोज़ का प्लांट है, अगर आपके पास कोई देसी रोज़ या फिर जंगली गुलाब का पौधा है जो कि बहुत ही ईजिली ग्रो हो जाते हैं, तो उनकी रूट्स बहुत अच्छे से चलती है, तो उन पर आप काफ़ी सारे कलर्स की ग्राफ्टिंग कर सकते हो, जैसे कि ये हुआ, और मैंने एक और कटिंग लगाई थी येल्लो कलर का, जो मेरा रोज़ है उसका तो खैर फ्लावर नहीं है, लेकिन बस कटिंग थी वो जो मैंने लगा दी है, मैं आपको कुछ कटिंग दिखा देता हूँ जो मैंने लगाई थी। तो कुछ कटिंग ये देख सकते हो आप मैंने यहाँ पर लगा दी थी, ये मेरी एक तो ऑरेंज कलर की है, कुछ येल्लो कलर की है, इसमें कटिंग की रही देख सकते हो आप, बस ये तो मैंने ऐसे ही लगा दी थी, मतलब काफ़ी सारी कटिंग निकल गई थी तो मैंने सोचा इसमें लगा दी जाए क्यों ना, और भी लगा रखी है काफ़ी, और कवर भी कर रखी है मैंने, क्योंकि कवर करना बहुत ज़रूरी होता है कटिंग्स की, सूखने का डर रहता है, वैसे मौसम थोड़ा ठंडा है तो अब इतनी प्रॉब्लम नहीं है, इतना डर नहीं है सूखने का,
तो कटिंग लगाते रहिए और प्लांट्स बनाते रहिए। सो यहीं पर एंड करते हैं इस वीडियो का। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी एंड आपको ये मेरा जुगाड़ कैसा लगा, मतलब काम करेगा या नहीं, अपनी जो ओपिनियन है वो कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, सी यू, बाय बाय।